सर अब हम परसिस्टेंट सिस्टम्स पुणे से जुड़ रहे हैं, वो भी आपसे अपने मन की बात शेयर करना चाहते हैं। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगी कि अपनी बात को संक्षिप्त में, शॉर्ट में रखने की कोशिश करें। गुड आफ्टरनून सर, मैं पुणे से आनंद देशपांडे बोल रहा हूँ। वी आर डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस मिशन एंड वी आर एक्साइटेड दैट वी कैन बी पार्ट ऑफ दिस new initiative that you have started. I'm going to invite my colleague Siddesh Bobe to share with you some of the work we are doing in volunteering with employees. Siddesh. Thank you, Anand. Good evening, sir. What a pleasure to be able to share my views with you. I want to talk about the work we do in drought relief and water conservation in Pune and in Maharashtra. करीब दो साल पहले वी स्टार्टेड वर्किंग विद आमिर खान पानी फाउंडेशन और पूना में जो भारतीय जैन संगठना है उनके साथ थोड़ा हम काम करते हैं। वी वेंट टू विलेजेस, हमने तालाब साफ किए, यू नो वी डिग वेल्स एंड सो ऑन। पर ये बात समझ में आई कि उनका जो मेन प्रॉब्लम है इन एनजीओस का वो स्केल का है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स काफी ऑन द ग्राउंड काम होता है, तो आपको ट्रेनिंग करना होता है, डेटा कलेक्शन होता है, वो डेटा को आप इनसाइट्स में बदल करके वापस स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करें। तो एज एन आईटी कंपनी वी रियलाइज दैट आर रियल वैल्यू टू दिस प्रोजेक्ट्स वुड बी टू यूज टेक्नोलॉजी। और हमने एक साल पहले 25-30 लोगों का ग्रुप बनाया जो इन एनजीओस के साथ बैठ के उनको टेक्निकल सॉल्यूशंस देते हैं। आईओटी सेंसर्स, क्लाउड, मोबाइल, ये सब अवेलेबल है। और सोशल मीडिया का भी मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि सो आई रन अ स्मॉल चैरिटी काइंड ऑफ थिंग इन पुणे कॉल्ड द कैटरीना फाउंडेशन, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करता है। एंड वी रियलाइज दैट सोशल मीडिया से ऑल लाइक माइंडेड पीपल और एनजीओस को साथ में लाके यू कैन बी लॉट मोर इफेक्टिव। सर, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका जो 2022 तक फार्मर इनकम डबल करने का विजन है, so we would like to be a part of that vision using technology as the enabler to take these initiatives pan India across the country very effectively, you know, really get people together, like minded people together to work towards your vision. Thank you sir for the opportunity. Jai Hind. आपने किसानों की चिंता की, पानी की चिंता की, मुझे अच्छा लगा। ये बात सही है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट के इश्यूज, इन सब से हम परेशानी भुगत रहे हैं और परेशानी दिनों दिन नज़र आ रही है कि कैसी जा सकती है, और इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज बचाना ये हमारा दायित्व है। और ये भारत जैसे देश में आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी परंपरा नहीं है, वो हमारी संस्कृति भी नहीं है, ये हमारे अंदर आई हुई विकृति है जो हमने कहीं से बोरो की है। यूज एंड थ्रो, मेरे सुख के लिए मुझे जितना पानी चाहिए चाहिए, मैं उपयोग करूंगा, औरों को मिले या ना मिले, ये एक बहुत बड़ा दुखद परिस्थिति है। लेकिन अगर आपको कभी महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबंदर जाने का मौका मिले तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए, और मैं उसका बड़ा आग्रही हूँ कि उनका जन्मस्थान तो देखे लेकिन उनके घर में एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। यह 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है और रेन वाटर को स्टोर करने की उसमें व्यवस्था है, बारिश का पानी और शुद्ध रूप से पानी अंदर पहुंचे, और साल भर उस पानी का खाना पकाने में उपयोग होता है, पीने के लिए उपयोग होता है घर में, उतना पानी बारिश में वो संग्रह कर लेते। और पोरबंदर कोई ज्यादा बारिश होने वाली जगह नहीं है, समुद्री तट है, वहां कुएं से पानी निकालते हैं तो सॉल्ट होता है पानी में, तो मुश्किल होता है। तो ये परंपरा डेवलप, यानी 200 साल से भी पहले हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बातें हमारे यहाँ घर घर में जुड़ी हुई थी, लोग करते थे। लेकिन समय रहते हुए हम लोग इन चीज़ों से बाहर आ गए और हमने स्थिति ऐसी पैदा कर दी, और उसके कारण बहुत बड़े संकट हैं। आज मैंने देखा है कि हर कोई छोटे छोटे अपने प्रकार के भी प्रयास करते हैं और कुछ टेक्नोलॉजी भी विकसित करते हैं। रिचार्जिंग करना ये सबसे बड़ा काम है, एक तो वाटर कंजर्वेशन एंड रिचार्जिंग। अब
कई ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने अपने एनजीओ के माध्यम से अपनी टैलेंट का उपयोग करते हुए नई नई सरल टेक्निक खोजी है, जो किसान अपने खेत में उपयोग करते हुए जो बारिश का पानी जितना भी आएगा वो बहुत कम खर्चे में वो रिचार्ज कर सकता है। हैंडपम्प होते हैं हमारे यहाँ गाँवों में, जहाँ पानी नहीं है, नल का जल नहीं है, वहाँ हैंडपम्प होते हैं। कई लोगों ने हैंडपम्प के बगल में ही एक ऐसी कुएं की व्यवस्थाएं तैयार की हैं कि जो हैंडपम्प से पानी वेस्ट तो होता ही है क्योंकि वो भरता है निकालता है, वो तुरंत उसमें जाते हैं उसको रिचार्ज कर देता है। तो ऐसी कई चीज़ों को हम साइंटिफिकली कैसे करें और लोग जन आंदोलन कैसे बनाएं, हम जाकर के काम करें वो एक है, लोगों को समझ आए कि हाँ मेरे लिए करने जैसा है और मैं कर सकता हूँ और एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी से कर सकता हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना कर सकता हूँ। उसी प्रकार से हमारे किसानों को हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर 2022 में हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो हमारा उनका इनपुट कॉस्ट कम करना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट कम करने में ये अब भारत सरकार सब्सिडी देती है, अगर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर लगाते हैं तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव नहीं है या उसकी क्रॉप पैटर्न अलग है उसके कारण वो उसको अब कोई विश्वास नहीं करता। मुझे बराबर याद है शुगर केन वाले ये मानते थे कि फ्लड इरिगेशन होगा तभी शुगर होगी। मैंने कंपलसरी गुजरात में था तो ड्रिप इरिगेशन किया और अनुभव ये आया कि ड्रिप इरिगेशन जो शुगर केन होता है उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, शुगर केन की हाइट भी ज़्यादा होती है और कुल मिला करके प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गया। आज देश के अंदर केला भी, पैडी भी आज हम माइक्रो इरिगेशन से कर सकते हैं। तो आपके पानी के अभियान को एक तो है सार्वजनिक स्थानों पर पानी का संग्रह, अब दूसरा जल सिंचन का जितना महत्व है, जल संग्रह का जितना महत्व है उतना ही जल सिंचन का भी महत्व बनना चाहिए। बूंद बूंद पानी का उपयोग कैसे करें, दूसरा आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, हमारी खेत जो होता है हमारे देश में, एक काम आप कर सकते हैं, पुणे में यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल में बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं, आप पाएंगे उसमें से 60-65% बच्चे वो होंगे जिनका बैकग्राउंड गांव का होगा और उसमें से भी ज़्यादातर किसान के बेटे होंगे। मतलब पुणे शहर में ही हॉस्टल में रह करके पढ़ने वाले बच्चों में से 60% ऐसे बच्चे मिल सकते हैं कि जिनका फैमिली एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। आप उसी हॉस्टल को टारगेट करें, उन बच्चों को इन चीज़ों के लिए ट्रेन करें, उनको रिसोर्स मोबिलाइज करने में मदद करें, वो जब छुट्टियों में घर जाएगा तो वो आपका वॉलेंटियर बन करके उस गांव में अपने खेत में अपने अड़ोस पड़ोस के खेत में आपकी बात को पहुंचाएगा। तो मैं समझता हूं आप जो जाकर के करते हैं तो एक 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 एरिया है जहां से आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा आज जमीन की बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे यहाँ एक खेत और दूसरे खेत के बीच में बाड़ लगा देते हैं डिमार्केशन के लिए, एक मीटर इधर बर्बाद करते हैं, एक मीटर उधर बर्बाद करते हैं, 2 मीटर का पूरा पट्टा फालतू कांटे लगा करके हम उस जमीन को बर्बाद कर देते हैं। उनको सिखाया जाए कि इस जमीन का कैसे उपयोग हो सकता है। आज हमारे देश में 13,000 करोड़ रुपीज का टिम्बर हम इम्पोर्ट करते हैं, 13,000 करोड़ रुपीज का मकान बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए, फर्नीचर वगैरह लिए चाहिए, हम इम्पोर्ट करते हैं। जबकि हमारे खेत किसान अगर अपने खेत के किनारे पर इस प्रकार का अगर वो टिम्बर का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के पैड बोते हैं जिससे टिम्बर निकल सकता है, तो 20 साल के अंदर उस परिवार को आर्थिक रूप से कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर साल अगर दो दो वो अपने पैड बेचता चले, नए उगाता चले, तो एक चेन से चल सकती है, उसकी एडिशनल इनकम हो सकती है। उसी प्रकार से मधुमक्खी एक प्रकार से परमात्मा ने भेजा हुआ हमारा फार्म लेबर है, मधुमक्खी एक परमात्मा ने दिया हुआ फार्म लेबर है, वो हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। अगर हम हमारे खेत में
हनी के काम को भी जोड़ दें, 50-100 बॉक्स रख लें तो भी सालाना 1-2 लाख रुपए की इनकम किसान की बढ़ सकती है, और शहद बच्चों को खाने को मिल जाएगा तो उनके न्यूट्रिशन को भी काम आ सकता है। एट द सेम टाइम वो मधुमक्खी उस खेत की फसल को उगाने में एक अनदर फार्म लेबर के रूप में मदद कर सकती है। चीज़ें बहुत हो सकती हैं दोस्तों, आप जो कर रहे हैं उसका थोड़ा एक्सपांशन करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं मुझे खुशी है कि हमारे आधुनिक पीढ़ी के नौजवान, जो सामान्य रूप से लोग कहेंगे देखिए हमारे युवा बिगड़ गए हैं, हमारे युवा कुछ करते नहीं, हमारे युवा तो चलो यार वो तो मौजी है, ये जब सुनता है तो देश को लगता है मेरा देश का युवा देश के लिए जीने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।